बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा पर थमा चुनाव प्रचार। 10 जुलाई को होना है मतदान और दोनों ही सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। तो देखिए अब चुनाव प्रचार थम गया है और 10 तारीख को यहां पर मतदान होने हैं, जिसके बाद चुनाव के परिणाम आएंगे और कौन यहां पर विजयी रहेगा, क्योंकि कांटे की टक्कर यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच देखने को मिल रही है। दोनों ही सीट्स बेहद हाई प्रोफाइल सीट्स है और यहां पर देखिए विधानसभा उपचुनाव को लेकर के यहां पर हलचल अब तेज है। चमोली में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को पारदर्शी और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। बिना किसी के दबाव में आए अधिक से अधिक मतदान करने और आदर्श आचार संहिता का पालन करने की अपील की गई। बाई इलेक्शन में बद्रीनाथ विधानसभा का, उसके मद्देनजर पूरे जिले में जहाँ जहाँ हमारे स्टैटिक बैरियर है वो स्थापित हो चुके हैं, वहाँ पे जो कैमरे हैं वो वर्किंग कंडीशन में अभी, उसके अलावा जो भी FST SST जो भी इलेक्शन कमीशन के मानक आम के आम और गुठलियों के